खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए का फुल फॉर्म परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ओपी राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेठी कांड प्रेम प्रपंच का मामला है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल कहां से। ओपी राजभर ने कहा कि यूपी में रेप की हर घटना में सपा के लोगों का नाम सामने आता है और मुसलमान बोरा भरकर वोट देता है, जबकि सरकार बनने के बाद उसे झोला थमा दिया जाता है। राजभर ने नसरुल्ला की मौत के बाद यूपी में उनके समर्थन में रैलियां करने की बात कही। कानून हाथ में जो लेगा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होगा, उसके साथ सलूक वैसा ही किया जाएगा। ओपी राजभर ने कहा कि सुभाषपा यूपी विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ओपी राजभर ने कहा कि 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी जुटाने का काम किया जाएगा। अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा कि यह बयान देकर लोग व्याकुल भारत की तरह हैं। अब 20 साल लगातार ये लोग सिर्फ डमरू बजाएं। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के लंका मैदान में सुभाषपा की रैली को संबोधित कर रहे थे। जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ आप लीजिए, आप एप्लीकेशन बनाइए, हमको दीजिए, उस योजना हम आपके घर तक पहुँचाएं। ये उद्देश्य लेकर के हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को हम समझा रहे हैं कि जब तक आप आगे आओगे नहीं तो योजनाओं का लाभ आप ले नहीं पाओगे। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम पूरे 75 जिले में हम लोग चला रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब आपके सामने है, आप पिछड़े दलितों की बात करते हैं जबकि एक पार्टी के द्वारा पीडीए भी चलाया जा रहा है। पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग पूछिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम है। इस नाते की जब सरकार बनती है तो बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है, सरकार बनने के बाद उसको खाली झोरा थमा दिया जाता है कि तुम एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, लेकिन तुम समाज के बच्चों को, बेटियों को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बनाने के लिए अपने मुखिया के सामने लड़ नहीं सकते। यही पीडीए का मतलब है। राजभर जी, इस पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन अमेठी में जो पिछले मतलब कल हुआ है, कई परिवार के 4 दलितों की हत्या की गई है, क्या लगता है कानून व्यवस्था कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है? आप उसको जान लीजिए, वो प्रेम प्रपंच का मामला है, उससे कौन सा कानून लाइन आइडर। और सबसे मजे की बात कि आप देख रहे हैं जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे फैजाबाद रेप का मामला हो, चाहे मऊ रेप का मामला हो, चाहे कन्नौज रेप का मामला हो, चाहे कुशीनगर नकली नोट बरामद का मामला हो, हर जगह तो समाजवादी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? अभी एक पूर्व विधायक और एक उनके भाई, वो भी रेप के मामले में फंसे हुए कल का। भाई कानून अपना काम कर रहा तब ना फंस रहे हैं, कानून अपना काम नहीं करता तो कैसे फंसते हैं? सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग रेप के मामले में क्यों फंस रहे हैं? अब उन्हीं से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। हम लोग तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, जांच हो रही है, जांच में जो पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बात किया जाए विदेश नीति की, तो लेबनान और इजराइल में लड़ाई चल रही है, लेबनान के नसरुल्ला की जो मौत हो गई है, बावजूद उसके जो यूपी में बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनके समर्थन में रैलियां कर निकल रहे हैं। देखिए, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होगा, उसके साथ वही सलूक होगा। जो कानून कहता है कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। मंत्री जी, चुनाव होने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में, इसमें आपकी पार्टी कहाँ काम? हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, 10 सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहे वो मिर्जापुर की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आपके संभल हो, चाहे गाजियाबाद हो, 10 सीट पर हम कार्यक्रम अपनी पार्टी का खुद संगठन धरातल पे हम लोग बना रहे हैं। जो भी उम्मीदवार एनडीए गठबंधन से आएगा वो उसको जिताने का काम। एक चर्चा चल रही है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात की जा रही है, आने वाले समय में फिर से जो है कुर्सी को मुद्दा बनाया जाएगा और आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाएगा। 22 साल से हम कह रहे हैं ना ये बात। देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हुआ दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, रिपोर्ट तैयार हो गई, उसकी समीक्षा भी हो गई, अब उसको लागू करने की तैयारी हो रही है। पिछली बार आपने देखा प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण को बांट करके 7-9-11, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, उस काम को भी हमने राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार भी करा दी, तो उसको लागू करने की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं।
नेताजी, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर लगातार जो राजनीति चल रही है और कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की बात कही जा रही है, अपने सांसद जी का भी कुछ इसी तरह का मामला था। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आपने देखा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने सफाई अभियान, जो गांधी जी का सपना था कि राजनीतिक भागीदारी तो मिल गई लेकिन स्वच्छ भारत और विकसित भारत और ग्राम स्वराज, स्वराज गांव, ग्राम स्वराज स्थापित हो, गांव का राज हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये बयान दे दे करके व्याकुल भारत की तरह हैं ये लोग कि जल्दी सत्ता मिल जाए, हम का बोल दें कि जनता हमारे संगे आ जाए। 20 साल लगातार, 20 साल तक ये लोग अब डमरू बजावें। नेताजी, बिहार और गुजरात में शराबबंदी है, आप भी अपने मंचों से कई बार जो शराबबंदी की बात कर चुके हैं, आपके अरविंद राजभर जी ने आज इस बात को उठाया है, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर शराबबंदी की बात को जो है मंत्रिमंडल में या केंद्र सरकार तक उठाएंगे? हम कानून बनवाने की तैयारी में है, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि चलो सदन में 403 में 1/3, 543 में 1/3 महिलाएं जीत के जाएंगी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। हम अगर नहीं लड़ने में कमजोर है तो इनको वहां पहुंचा करके मोदी जी की सोच है कि ये खुद सदन में आवे, ये अपनी लड़ाई जो जिस चीजों को लेकर पीड़ित है उसका कानून यहाँ बना करके वो खुद आगे आकर के कानून बना। शराबबंदी के पक्ष में है अभी? हम तो हमेशा 22 साल से लड़ते आए हैं। कुछ लोग गाजे पर भी उनका लाइसेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, उनका विषय है, हम स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं। अभी आपने देखा 0 पॉवर्टी स्कीम, पहली बार देश में एक ऐसा कानून, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए। मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि 8 लाख 10 लाख 15 लाख प्रतिदिन वर्क डे में हमारे दस्तक से विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए पैसा जा रहा है, प्रतिदिन जाता है। मंत्री जी, अभी जो इजराइल में लड़ाई चल रही है, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र का मजदूर गए हैं वहाँ पे, कुछ जखनिया विधानसभा के मजदूर गए हैं, उसका क्या लग रहा है, उसके बारे में कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है कि किस तरह से सुविधाएं मिल रही? एक पत्र मिला हमको, उस पत्र को हमने दिल्ली बात किया कि इस तरह के लोग फंसे हुए हैं, तो उनका डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है, उनको सुरक्षित वहाँ से वापस भारत लाने की तैयारी हो रही है। परिवार वालों से कुछ बात हुई? नहीं, परिवार से हमारी कोई बात नहीं, किसी ने पत्र मुझे दिया था उसी पत्र पे मैंने कार्रवाई।